हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी मराठी चैनल पे अपलोड की है, बट वहाँ पर काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया था मराठी, तो इसी वजह से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये रेसिपी हिंदी में शेयर करूँ, तो इसी वजह से आप लोगों के साथ मैं हिंदी में शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, कुछ लोग इसे गोंद के लड्डू भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ विंटर में खाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, सारी चीज़ें इसमें गर्म मिलाई जाती है, तो इसी वजह से ये काफ़ी गर्म इसकी तासीर होती है, मतलब ये लड्डू की। तो इसी वजह से ये लड्डू सिर्फ विंटर में ही खाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं सेहत के लिए ये विंटर में खाना। अगर आप इस लड्डू को विंटर में खाते हो तो आपकी अच्छी सेहत बनती है और आपके जो पेन वगैरह है तो वो भी इससे कम होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ औषधि वनस्पति भी मिलाने वाले हैं, तो वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या मतलब मिलाने वाले हैं हम लोग। तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में मैंने सारा कुछ लिया है और कितनी क्वांटिटी हमें लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ली है खजूर, तो खजूर मैंने यहाँ पे 3 पाव लिए हैं और उसमें से बीज निकाल ली थी, और बीज निकालने के बाद वो एक दिन मैंने धूप में रख दिया था सुखाने के लिए, और उसके बाद मैंने उसका पाउडर बनाया क्योंकि वो थोड़ा सा गीला रहता है तो उसका पाउडर जल्दी नहीं बनता है, तो इसी वजह से। और ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है गोडम्बी, पता नहीं आप लोगों की साइड में मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बट हमारे साइड में मिलती है महाराष्ट्र में और इसे गोडम्बी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके भी पाउडर बना लेंगे हम लोग, और पाउडर ना हमें थोड़ी सी मोटी रखनी है, मतलब एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा दरदरा पाउडर ही बनाना है। और यहाँ पर मैं पिस्ता ले रही हूँ, पिस्ता का पाउडर भी हम लोग बना लेंगे। तो पिस्ता मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लिया है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो इसकी क्वांटिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वांटिटी आप इतनी ही रखो। तो मैंने इतने इतने लिए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो 50 ग्राम जो है वो मैंने पिस्ता लिया है, उसे भी ऐसे ही दरदरा पीस लिया है, क्यों दरदरा पीसना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके लड्डू जो है वो आपको चबाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब चबाने में अगर आप मोटा मोटा इसे पीसोगे तो ये जब आप चबाओगे तो मतलब थोड़ी सी ये लगेगी, टेस्ट अच्छी लगेगी इसकी, तो इसी वजह से आपको इसे दरदरा पीसना है। और यहाँ पर मैं बादाम भी पीस रही हूँ, तो बादाम भी मैंने आधा केजी ली थी, सारा मैंने आधा आधा केजी लिया था, सिर्फ खजूर मैंने 3 पाव लिया था, और यहाँ पर मैंने काजू भी आधा केजी लिया था, तो काजू भी मैं पीस लूँगी इसी तरह से, सिर्फ खजूर मैंने 3 पाव लिया और पिस्ता मैंने 50 ग्राम लिया है। और इसके बाद हमें सूखा नारियल भी चाहिए होगा, तो सूखे नारियल के हमें टुकड़े करने होंगे, टुकड़े करके रखना है और उसके बाद हमें पीसना है। नारियल के पीसेस अगर आप करते हो तो थोड़ा सा इजी जाता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस आप करते हो तो थोड़ा इजी जाएगा पीसने में, तो इसी वजह से आपको छोटे छोटे पीसेस में वो काटना है नारियल और उसके बाद उसे पीसना है। तो मैंने नारियल जो है वो 1 पाव लिया था, तो क्योंकि नारियल हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा नारियल पसंद नहीं, मतलब अगर आप नारियल इसमें डालते हो तो थोड़ा सा स्मेल आती है, मतलब उसके एक तो ये ऑयली होता है नारियल इसी वजह से, और उसकी थोड़ी सी अलग ही स्मेल आती है, मतलब अगर आप उसे ज़्यादा डालते हो तो इसी वजह से थोड़ा कम क्वांटिटी में लीजिए नारियल, और अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पसंद नहीं है इसी वजह से हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसे कम ही ऐड कर रहे हैं, आधा जितना मैंने क्वांटिटी लिया है सब चीज़ों का उससे आधा किया है मैंने। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ व्हाइट मूसली, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आपके सेहत के लिए, ये ताकतवर होती है और आपके सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके दूर होते हैं, और ये औषधि वनस्पति है एक्चुअली, तो इसी वजह से इसमें काफ़ी सारे औषधि गुण पाए जाते हैं और ये आपके ताकत को बढ़ाता है, मतलब व्हाइट मूसली। और ये यहाँ पर मैंने ली है शतावरी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आपके सेहत के लिए, और ये भी औषधि वनस्पति है, तो इससे आपका कमर पेन वगैरह कम होता है, और लड्डू में तो ये डाला ही जाता है, लेडीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और डिलीवरी के बाद लेडीज़ की कमर वगैरह पेन करती रहती है, तो डिलीवरी के बाद आपका जो कैल्शियम है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसी वजह से आपकी जो कमर वगैरह है या आपके ये है घुटने वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं, तो इसी वजह से ये वाले लड्डू विंटर में खाए जाते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद। और इससे अगर आप फीडिंग कर रहे हो तो दूध में भी मतलब फ़र्क दिखेगा आपको ये वाले लड्डू खाने से, मतलब दूध भी आपका बढ़ जाएगा इससे, तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। और यहाँ पर मैं शुगर पीस रही हूँ, तो मैंने शतावरी और मूसली में थोड़ी सी शुगर ऐड की थी क्योंकि वो पीसा नहीं जाएगा वैसे, इसी वजह से शुगर ऐड करने से जल्दी से पीसी जाएगी शतावरी एंड मूसली। और यहाँ पर मैंने शुगर ली है, मतलब 2 ग्लास शुगर ली है, क्योंकि हमने शतावरी और मूसली में भी शुगर मैंने
हाफ ग्लास ऐड की थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 ग्लास शुगर ली है और उसमें मैं इलायची ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर शुगर में इलायची आप पीसते हो तो जल्दी पीसी जाती है, वैसे आप इलायची पीसते हो तो जल्दी पीसी नहीं जाती है। वैसे भी अगर आप पाउडर बना के रखते हो इलायची का, तो उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए और पाउडर बना के पीस लीजिए, जल्दी से उसका पाउडर बन जाएगा, मतलब जल्दी से पीसी जाएगी इलायची। अब मैं यहाँ पर शुगर का भी पाउडर बना लूँगी और उसके बाद मैं सारी चीज़ें एक पॉट में मिक्स कर लूँगी, मतलब एक बर्तन में। आपको थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए होगा इसके लिए, और आपके पास अगर परात है बड़ी वाली तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बड़ा भगोना या कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब जो भी पाउडर हमने बना के रखे हैं उनको सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें गोंद फ्राई करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने गोंद ऐड कर दिया है। तो मैंने गोंद लिया था 350 ग्राम, और यहाँ पर मैंने 350 ग्राम गोंद लाया था, मतलब उसके लिए उतनी क्वांटिटी के लिए। और थोड़ा सा ज़्यादा भी गोंद आप ऐड कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा उल्टा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके घुटनों वगैरह में या जॉइंट में पेन होने लगता है, और जॉइंट के जो चिकनाहट होती है वो उससे मतलब चली जाती है, मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है वैसे वैसे। तो इसी वजह से ये गोंद अगर आप ऐड करते हो इसमें, तो उससे आपकी जो चिकनाहट है वो, आपके जॉइंट की चिकनाहट है वो बनी रहेगी और अच्छा रहता है सेहत के लिए भी। तो इसी वजह से ये गोंद ऐसे इस तरह से आपको फ्राई करना है, और उसके बाद आपको इसे मिक्सी में पीस लेना है, तो इसका पाउडर बना लेना है आपको। और ये बिल्कुल कच्चा आपको ऐड नहीं करना है गोंद को, तो कच्चा अगर आप ऐड करोगे तो वो बिल्कुल चिपचिपा लगेगा और आपके दांत के नीचे आएगा और आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसी वजह से इस तरह से फ्राई करने करके ही डालना है आपको। और इस तरह से सारी पाउडर को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और यहाँ पर सारी पाउडर मिक्स हो जाने के बाद हमें इसमें घी ऐड करना है, मतलब आपने ऑलरेडी चीनी तो ऐड कर दी है यहाँ पे, तो उसके बाद हमें घी ऐड करना है उसमें, जिस तरह से वो लड्डू बन जाए, अगर आप घी ऐड करते हो उसमें तो अच्छे से लड्डू बन जाएंगे आपके। और घी को ऐड करने के टाइम ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब घी को थोड़ा 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 गर्म करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करना है घी को, ताकि आपको पता चले, मतलब एकदम ज़्यादा ना हो जाए घी, मतलब आपको पता चले। और यहाँ पर गरम आप घी ऐड करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना है, चम्मच से ही आपको मिक्स करना है, नहीं तो आप हाथ वगैरह लगाओगे तो हाथ से जलने का मतलब डर रहेगा, तो इसी वजह से आपको स्पून से ही उसको करना है। और उसके बाद आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और घी ना थोड़ा 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 ही ऐड करिएगा, नहीं तो एकदम से घी डाल दोगे तो वो ज़्यादा होने का और चिपचिपा लगने का चांसेस रहता है, मतलब ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे आपके लड्डू। ज़्यादा घी मत ऐड करिएगा, नहीं तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते, और इस टाइम ना घी जल्दी से वो होता है, क्या बोलते हैं, जम जाता है, तो इसी वजह से जब भी आप वो खाओगे तो फिर लड्डू खाओगे तो ज़्यादा घी ही लगेगा, तो आपको इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा उससे। तो इसी वजह से आपको थोड़ा 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 करके घी ऐड करना है, और देखना है फिर मिक्स करके कि इसके लड्डू बनते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर जैसे घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, तो इसी तरह से आपको देखना है ऐड कर करके। और बहुत सारे लोग फिर ज़्यादा घी डाल देते हैं, मतलब सेहत के चक्कर में ही ज़्यादा घी डाल देते हैं, बट वो अच्छा नहीं रहता है, मतलब ज़्यादा भी कुछ कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से अच्छा नहीं रहता है। और आप अगर वो सुबह सुबह खाते हो तो गला बैठने का भी डर रहता है, क्योंकि ये लड्डू सुबह ही खाए जाते हैं, जैसे ही आप ब्रश करते हो तो उसी टाइम ये लड्डू खाया जाता है, और उस पर गर्म पानी पिया जाता है 1 ग्लास। और गर्म पानी किस लिए पिया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप ये लड्डू खाते हो, एक्चुअली ये लड्डू में घी ज़्यादा रहता है और घी से ना गला बैठने का चांस रहता है, तो इसी वजह से आप ये लड्डू सुबह सुबह खाते हो, और विंटर में सुबह सुबह इसका जो घी है वो जम जाता है, इसी वजह से ये लड्डू खाने के बाद गर्म पानी पिया जाता है। यहाँ पर हमारा लड्डू का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ किस तरह से मतलब लड्डू बन रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर लड्डू मेरे इजीली बन रहे थे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर इजीली बन रहे हैं लड्डू, तो आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, मतलब अभी घी की ज़रूरत नहीं है इसमें, और इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपके लड्डू बन जाएंगे, और अच्छे से आपको लड्डू के शेप में बना लेना है, मतलब थोड़ी सी बड़ी साइज़ ही रखनी है, मतलब जितनी आपकी मुट्ठी में बैठती है उतनी साइज़ रखनी है, आप छोटी बड़ी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, बट मुझे ना इतनी ही साइज़ पसंद है, ना तो बड़ी ज़्यादा पसंद है ना तो छोटी ज़्यादा पसंद है, मतलब एक आप खा लोगे तो आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा एक में इतनी साइज़ में।
तो इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी अपने, और इसे ना शेप इस तरह से देना है आपको अच्छे से, और थोड़ा सा राउंड राउंड करके आपके हाथों को घुमा लेना है अच्छे से। इस तरह से आप लड्डू बनाते हैं तो शेप भी बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में अच्छे लगते हैं, मतलब चिकने लगते हैं ऊपर से, तो इसी वजह से मतलब दरदरे बिल्कुल नहीं लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेप आता है। इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी, और इन्होंने भी मुझे बनाने में हेल्प की थी, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा है, तो थोड़ा सा इन्होंने भी बनाने में मुझे हेल्प की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो इसी वजह से। और यहाँ पर हमारे लड्डू जो है वो रेडी हो चुके हैं, और इस तरह से लड्डू का फाइनल लुक है हमारे, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइज़। इस तरह से आप अगर लड्डू बनाते हो तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि आपने मावा ऐड किया है लड्डू में, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इस तरह से बना के देखोगे तो जल्दी से बन जाएंगे आपके लड्डू, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ट्रस्ट में गाइज़ इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह से आप बना के देखोगे तो आपको पक्का पसंद आने वाले हैं ये वाले लड्डू, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और विंटर में ज़रूर खाइएगा ये वाले लड्डू, इससे आपका पूरी साल सेहत अच्छी रहेगी और काफ़ी मतलब तंदुरुस्त रहोगे आप। आई होप गाइज आपको ये भी लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप देखते हो वीडियो बट लाइक करना भूल जाते हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी आसानी हो ये लड्डू बनाने में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पर मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ, आपको अगर डेली व्लॉग्स पसंद है देखना तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, और कमेंट करके ज़रूर बताना रेसिपी कैसी लगी आपको।